अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं जी? भी व्हाट्सएप यूज़ करने वालों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, गौर से सुनो, क्योंकि आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप को छोड़ के जी भी व्हाट्सएप क्यों यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसमें आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो ऑफिशियल व्हाट्सएप में नहीं है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि आपके जी भी व्हाट्सएप के ज़रिए आपके माइक से आपको स्पाई किया जा रहा है, आपके कैमरों से आपको स्पाई किया जा रहा है, आपकी लोकेशन से आपको स्पाई किया जा रहा है, आपके फ़ोन की गैलरी, आपके फ़ोन की स्पेस, आपके पासवर्ड्स, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह तमाम के तमाम जी भी व्हाट्सएप के ज़रिए स्पाई किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, चंद दिन पहले दुनिया के एक बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, खासकर इंडिया में, जिस चीज़ के ज़रिए सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स में वायरस भेजा जा रहा है, फ़ोन्स को हैक किया जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी को लीक किया जा रहा है, उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है जी बी व्हाट्सएप। जी हाँ, जी बी व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी लोकेशन, आपकी स्पेस, आपकी मेमोरी, आपके नंबर्स, आपका माइक, आपका कैमरा, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए आपके फ़ोन की हैकिंग की जा रही है। और शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि जी बी व्हाट्सएप अनऑफिशियल ऐप है, ये आपको तरह तरह की साइट से डाउनलोड करना पड़ता है, इसके बेशुमार वर्जन इस वक्त मौजूद हैं। गूगल वाले जी बी व्हाट्सएप को अपने प्ले स्टोर पर नहीं रखते और एप्पल वाले अपने ऐप स्टोर पर नहीं रखते। जब वो इस पर ट्रस्ट नहीं करते तो आप किस तरह इस पर यकीन कर बैठे हैं? और दूसरी अहम बात, साइबर सिक्योरिटी कंपनी ईसेट ने अपनी रिपोर्ट में वाजह तौर पे बता दिया है कि ऑफिशियल व्हाट्सएप ने उन तमाम नंबर्स को, अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया है जो लोग जीबी व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। फिलहाल आरजी तौर पे बंद किया जा रहा है, लेकिन अगर वो इससे बाज ना आए तो उनके नंबर को व्हाट्सएप के लिए परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि हम लोग बड़े लंबे अरसे से जीबी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा फोन ना कभी हैक हुआ है, ना उसमें कोई वायरस आया है, आप लोग अभी तक इससे महफूज हैं। अल्लाह पाक हमेशा आपको महफूज रखे, लेकिन मेरा मशवरा है फ़ौरन जी बी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करें। ये अनऑफिशियल ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप है, अनट्रस्टेड ऐप है। थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए अपने फ़ोन की सिक्योरिटी को, अपने कैमरे को, अपने माइक को, अपने लोकेशन को, अपने फ़ोन की स्टोरेज को क्यों रिस्क में डाल रहे हैं? जब एक ऐप है ही अनट्रस्टेड, थर्ड पार्टी ऐप है, अननोन ऐप है, नहीं पता किसने बनाया, कहाँ से आया, कैसे बना, जब उसके ज़रिए आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या मालूम कि उसके साथ क्या क्या डाउनलोड हो जाता है आपके फ़ोन में? क्योंकि जब आप जी बी व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो आप ख़ुद अपने हाथों से जी बी व्हाट्सएप को अपने माइक की, अपनी लोकेशन की, अपनी स्टोरेज की, अपने फ़ोन की, अपने कैमरे की, हर तरह की एक्सेस दे देते हैं। और एक्सेस भी किस ऐप को देते हैं? जिस पर ना गूगल ट्रस्ट करता है, ना एप्पल ट्रस्ट करता है। बड़ा जिगरा है आपकी, बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप अनऑफिशियल थर्ड पार्टी अनट्रस्टेड ऐप को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए बैठे हैं। अब बात आती है, आप में से बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे कि जी बी व्हाट्सएप के अंदर हमारा बहुत सा डाटा है, हमारी चैट हिस्ट्री है, चैट बैकअप है, उसका क्या बनेगा? तो अपने जी बी व्हाट्सएप की मुकम्मल चैट को, मुकम्मल हिस्ट्री को, मुकम्मल बैकअप को आपने अनऑफिशियल से ऑफिशियल व्हाट्सएप पे कैसे मूव करना है, उसका मुकम्मल तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया है। निहायत आसान है, आप जी बी व्हाट्सएप का मुकम्मल बैकअप बड़ी आसानी से ऑफिशियल व्हाट्सएप पे ला सकते हैं। ये बड़ी अहम रिपोर्ट और न्यूज़ आई है, आप लोगों को बताना लाजिम समझा है। पहली फुर्सत में ना सिर्फ जी बी व्हाट्सएप बल्कि जितने भी आपने थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, उनको फ़ौरन अनइंस्टॉल कर दें। इस तरह के तमाम ऐप्स आपके फ़ोन के लिए और आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं। तो आप में से जो जो लोग जी बी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले कोई भी जी बी व्हाट्सएप का यूज़ कर रहा है, उस तक मेरी ये वीडियो, मेरा ये पैगाम लाजमी पहुँचा दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।